छोटे बच्चों को मारना या उनको कातिल बनाने से कुछ ठीक नहीं होगा। पीड़ितों या पीड़ितों से पीड़ित लोगों के लिए हालात नहीं सुधरेंगे। फिलिस्तीन में अमन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शाहरुख खान का ये ट्वीट 13 जुलाई 2014 का है। 2014 में हमास ने 3 इजरायली लड़कों को पहले किडनैप किया और फिर उनकी हत्या कर दी थी। इसके खिलाफ इसराइल ने ऑपरेशन प्रोजेक्टिव एज शुरू किया था। गाजा में इसराइल का अब तक का सबसे लंबा और सख्त सैन्य अभियान इजरायली फोर्सेस के 50 दिनों के इस ऑपरेशन में 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और 7000 से ज़्यादा घर नष्ट हो गए थे। तब शाहरुख खान ने ये ट्वीट किया था जो अब बहुत वायरल हो रहा है। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के इस हमले के बीते दशकों में उग्रवादियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। उधर इसराइल के गाजा पट्टी पर जवाबी हमले में करीब 1500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने और करीब 1700 लोगों से ज़्यादा के घायल होने की खबर है। दोनों देशों में हालात सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हालांकि हमास ने पहले हमले की जिम्मेदारी ली। उनका कहना है कि वो अल अक्सा मस्जिद की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये उनके लोगों पर होने वाले जुल्म का बदला है और वेस्ट बैंक पर कब्जे का बदला है। बता दें, आज के इसराइल की ज़मीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच आती है। दोनों पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है और पट्टी पर हमास का इख्तियार है। 2006 में हुए चुनावों में हमास सत्ता में आ गया था और तब से ही वो सत्ता में बरकरार है। शनिवार 7 अक्टूबर से चल रही जंग अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन लगातार हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इन सब के बीच एक्टर शाहरुख खान का ये पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। ये पोस्ट इसराइल फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। अब देखने लायक ये होगा कि शाहरुख का ये ट्वीट कोई नया रूप लेगा या पुराना ही रह जाएगा। बाकी इसराइल और फिलिस्तीन के मसले से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और शाहरुख खान के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।